हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इस पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डीएनए म्यूटेशन, और उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ दैट टॉपिक, एंड दैट विल इंक्लूड फॉरवर्ड म्यूटेशन एंड रिवर्स म्यूटेशन। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो अभी तक डिस्कस किया है कि म्यूटेशन क्या होते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो एक अलग टॉपिक होगा ऑफ कोर्स, एंड पॉइंट म्यूटेशन में हमने डिस्कस किया था बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, वो हम कर चुके हैं, और हम बेस पेयर डिलीशन एंड इंसर्शन भी कर चुके हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे ये हाउ इट ट्रांसलेट्स इनटू अमाइनो एसिड, यानी मिससेंस, नॉनसेंस, न्यूट्रल एंड साइलेंट म्यूटेशन हम लाइव वीडियोज़ में कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ इट अफेक्ट्स फिनोटाइप। तो इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे आज फॉरवर्ड म्यूटेशन एंड रिवर्स म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन की। फॉरवर्ड म्यूटेशन जो होता है ना, वो एक्चुअल म्यूटेशन होता है, मतलब दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक एक्चुअल म्यूटेशन है। हम इसको एक्चुअल म्यूटेशन क्यों बोल रहे हैं, इसको हम एक्चुअल म्यूटेशन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसकी वजह से, इस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, चेंज इन जीनोटाइप लीड्स टू चेंज इन फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप। आई होप यू नो, जीनोटाइप होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और फिनोटाइप इज़ फिजिकल अपीयरेंस, वो बाहर से कैसा दिख रहा है, वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज होने की वजह से जो चेंजेस आते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज फिनोटिपिक चेंजेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये एलेनिन बन रहा है और ये क्या हुआ, यहाँ पे ये वैलिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड का शिफ्ट है, वो अमाइनो एसिड का शिफ्ट सिर्फ एक अमाइनो एसिड में नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, प्रोटीन्स के। तो चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स मिल करके क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल, ये किसी तरह का प्रोटीन बना रहा है, तो ये अगर कोई प्रोटीन बना रहा है तो जैसे ही इसमें किसी एक अमाइनो एसिड में भी चेंज हुआ, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इस वाले अमाइनो एसिड में चेंज हुआ, तो ये जो एक अमाइनो एसिड का चेंज है ना, ये पूरे प्रोटीन की फोल्डिंग को चेंज कर देगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जब चेंजेस होते हैं, तो आपको क्या पता है प्राइमरी के बाद क्या आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का, जैसे उसमें बीटा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, वो उनके फंक्शंस होते हैं। तो वो जो बीटा हेलिक्स अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर बनेगा फिर, तो वो वहाँ पर, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। तो सिर्फ एग्जाम्पल, जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होंगे, तो ये जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें जैसे ही कोई डिफरेंस आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट विल लीड टू चेंज इन फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन की ना टर्शरी स्ट्रक्चर में ना फोल्डिंग जो होती है ना, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये जब प्रोटीन की फोल्डिंग चेंज हो जाएगी, तो ऑब्वियस है कि उसका जो प्रोटीन का जो भी फंक्शन था वो भी चेंज होगा। तो इसकी वजह से, अब मान लीजिए कोई एक प्रोटीन है, ये मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एक प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, और ये प्रोटीन जो है ये फंक्शनली एज एन एंजाइम वर्क कर रहा है, ठीक है। हम अगर बात करें कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये हमें पता है, तो फंक्शनली अगर कोई प्रोटीन है और ये एंजाइम की तरह फंक्शन कर रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एंजाइम है, और इस एंजाइम के पास यहाँ पे क्या है, ये ग्रूव सा बना हुआ है। इस ग्रूव में कौन आके बाइंड करता है, यहाँ पे बेसिकली सबस्ट्रेट एंजाइम बाइंडिंग के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, तो जैसे ही प्रोटीन की फोल्डिंग चेंज होगी, तो ये सबस्ट्रेट यहाँ जो कि सरफेस, सबस्ट्रेट के बाइंडिंग का जो स्पेस है, जो सरफेस पे प्रेजेंट था, हो सकता है बाई एनी चांस वो फोल्डिंग की वजह से क्या हो, इनसाइड पहुँच जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, राइट। तो जब ये बाइंडिंग नहीं होगी, तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनना था वो नहीं बनेगा, और जो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो वो अपीयरेंस जो है, यानी कि जो फिनोटिपिक अपीयरेंस, दिस वन, दिस विल आल्सो गेट कन्वर्टेड। सो दिस इज द मेजर पॉइंट कि फॉरवर्ड म्यूटेशन जो होता है, इसको हम एक्चुअल म्यूटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विल लीड टू चेंज इन द डिफरेंसेज इन द फिनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, ओके। तो अब दूसरा जो टाइप है वो क्या है हमारा, रिवर्स म्यूटेशन का। रिवर्स म्यूटेशन को हम बोलते हैं बैक म्यूटेशन, बैक म्यूटेशन और रिवर्जन, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो रिवर्स म्यूटेशन है, ये खुद में दो टाइप की होती है, ठीक है। रिवर्स म्यूटेशन अपने आप में ही दो टाइप की होगी, एक को हम बोलते हैं ट्रू रिवर्जन
और एक को हम बोलते हैं पार्शियल और इक्विवेलेंट रिवर्जन। ठीक है, ट्रू रिवर्जन का मतलब नाम से ही यहाँ पता लग रहा है कि जो ट्रू हो, मतलब जो एक्चुअली रिवर्ट कर दे म्यूटेशन को, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रू रिवर्जन। लेकिन पार्शियल का मतलब हो गया कि हाफ, इनकम्प्लीट या इक्विवेलेंट टू दैट। तो वो हम समझेंगे अभी वन बाय वन दोनों टर्म्स को कि क्या होते हैं ये दोनों जो म्यूटेशंस होते हैं। तो पहले समझते हैं ट्रू रिवर्जन के बारे में। दिस काइंड ऑफ दिस ट्रू रिवर्जन विल अकर, इट अकर्स एट द सेम साइट, एट द सेम साइट जहाँ पे ऑलरेडी पहला म्यूटेशन हुआ था। इन द जीन ओरिजिनल म्यूटेशन अकर्ड, ओरिजिनल म्यूटेशन अकर्ड। तो ये वाला जो म्यूटेशन है ना, ये वहाँ होगा जहाँ पे पहला म्यूटेशन हुआ था, यानी जो ट्रू म्यूटेशन, यानी जो फॉरवर्ड म्यूटेशन जिस जीन में जिस प्लेस पे हुआ होगा, ये वहीं पे होगा और उसी जीन में म्यूटेट करके ये वापस उसको रिवर्ट बैक कर देता है और ये फंक्शनैलिटी को भी वापस रिवर्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको ट्रू रिवर्जन बोलते हैं। जब हम बोल रहे हैं कि ये ट्रू रिवर्जन है, तो दैट मीन्स कि हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चेंज है, चेंज इन सेम कोडोन, कोडोन भी सेम रहेगा, उसी कोडोन में चेंज आएगा जिसमें हुआ था पहले म्यूटेशन, फॉरवर्ड म्यूटेशन, एंड सेम न्यूक्लियोटाइड, सेम न्यूक्लियोटाइड। इट मींस कि जो म्यूटेशन फॉरवर्ड म्यूटेशन के टाइम पे जिस जीन के जिस न्यूक्लियोटाइड पे म्यूटेशन हुई थी ना, एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे ये वापस से म्यूटेट करेंगे और इसीलिए इनको हम रियल सेंस में रिवर्जन बोलते हैं या ट्रू रिवर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ट्रिपल ए है और ये क्या है, ये वाइल्ड टाइप है। ठीक है, ये वाइल्ड टाइप है और अगर ये वाइल्ड टाइप है तो कोई ना कोई अमाइनो एसिड तो कोड करेगा ही। तो से फॉर एग्जांपल ये लाइसिन अमाइनो एसिड जो है उसको कोड कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज कोडिंग फॉर लाइसिन अमाइनो एसिड। तो जैसे ही यहाँ पे म्यूटेशन हुई, इसको हम मान लीजिए बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन, फॉरवर्ड म्यूटेशन। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे म्यूटेशन हुई तो यहाँ पे चेंज देखो किस जगह पे आया, सिर्फ इस ए का, तो इस ए की जगह अगर यहाँ पे जी आ गया, ठीक है, तो दिस इज़ अ चेंज। तो ये फॉरवर्ड म्यूटेशन हो रही है, तो ये क्या होगा, ये वाइल्ड टाइप नहीं होगा, ये क्या होगा, ये एक म्यूटेंट टाइप होगा। ठीक है, म्यूटेंट टाइप है तो ये भी कोई ना कोई अमाइनो एसिड कोड करेगा ही। तो मानते हैं कि ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। तो इसी प्लेस पे अगर, इसी जगह पे अगर फॉरवर्ड म्यूटेशन हुई थी, यहाँ पे अगर ये अब ट्रू रिवर्जन होगा, तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ट्रू रिवर्जन हमने बोला एग्जैक्ट सेम जीन सेम न्यूक्लियोटाइड में अगेन जो पहले था वैसा ही चेंज आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी की जगह वापस से ए आ जाएगा, ये वाला जो जी है ये ए से रिप्लेस हो जाएगा। तभी तो ये ट्रू रिवर्जन हुआ ना, ये पहले जैसा, यानी जैसा ये वाला था उस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ये ए ए ए में कन्वर्ट हुआ है, तो ये रिवर्जन के बाद क्या होगा, ट्रू रिवर्जन के बाद ये वापस से वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट होगा और ये अमाइनो एसिड भी फिर कौन सा कोड करेगा, लाइसिन अमाइनो एसिड ही कोड करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये लाइसिन अमाइनो एसिड ही कोड कर रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। तो अब समझते हैं कि ये जो पार्शियल रिवर्जन होते हैं ये क्या होते हैं। पार्शियल रिवर्जन जो होते हैं इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रिवर्जन, इक्विवेलेंट रिवर्जन। नाम से ही समझ आ रहा है पहली तो चीज़ की, ये पार्शियल है, ये ट्रू नहीं है, पार्शियल है, हाफ है, और इक्विवेलेंट या तो वैसा ही कोई अमाइनो एसिड या प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसा पिछले वाले में था। सो हम बोल सकते हैं इट डज नॉट, नॉट इज इम्पॉर्टेंट हियर, ठीक है, डज नॉट प्रोड्यूस द ओरिजिनल कॉन्टेंट, ओरिजिनल कॉन्टेंट एट द जीन लेवल। तो जीन में ना ये सेम टाइप का कंटेंट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, जैसा हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था ना, पिछली वाली यहाँ पे देखा कि ये जी ए ए से फिर वापस ट्रिपल ए में कन्वर्ट हो गया जैसा कि पहले था, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे ये सेम कंटेंट नहीं प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये इसके अलावा क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस वाइल्ड फिनोटाइप, ये प्रोड्यूस करेगा वाइल्ड फिनोटाइप ड्यू टू सिनोनिमस कोडोन्स, सिनोनिमस
कोडॉन्स, ठीक है। तो ये सिनोनिमस कोडॉन्स बना करके ये वाइल्ड टाइप फिनोटाइप जो है वो वापस प्रोड्यूस कर देगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा था इस वाली जगह पे, जैसे यहाँ पे लाइसिन से वापस लाइसिन में कन्वर्ट हुआ, बट यहाँ पे अमाइनो एसिड यानी कि जेनेटिक चेंजेस भी सेम थे, ठीक है, इसलिए इसको हम ट्रू बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जेनेटिक चेंजेस जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिखा ना कि जीन लेवल पे सेम नहीं रहेगा कंटेंट, लेकिन सिनोनिमस कोडॉन्स को ये प्रोड्यूस करेंगे। तो हम एक उसका एग्जाम्पल देखते हैं, हमें ईजिली समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ एग्जाम्पल, यहाँ पे UCC है हमारे पास, ये UCC जो है ये क्या है, ये वाइल्ड टाइप है, ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अमाइनो एसिड सीरीन को ये कोड करता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इसमें कोई म्यूटेशन हुई, इसको हम बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉरवर्ड म्यूटेशन हुई और ये यहाँ पे प्रोड्यूस कर देता है UGC, दिस जी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस सी, और ये क्या है, ये म्यूटेंट फिनोटाइप है, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है अमाइनो एसिड सिस्टीन। अब यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल रिवर्जन होगा, पार्शियल रिवर्जन, और ये पार्शियल रिवर्जन होने की वजह से ये यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा AGC, ठीक है, ये UCC नहीं, यानी जेनेटिक चेंज हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये UCC होना चाहिए था, UCC नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, ये AGC प्रोड्यूस कर रहा है, बट ये जो है ये फिनोटाइप इसका सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये अमाइनो एसिड फिर से कौन सा, ये अमाइनो एसिड सीरीन ही प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन जो बनेगा ये वाइल्ड टाइप प्रोटीन ही बनेगा। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल, ठीक है, जो मेन हम जिसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप कोई चीज़ अगर हम बोलते हैं, इट मीन्स उसमें कोई म्यूटेशन अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पार्शियल रिवर्जन जब होता है तो वहाँ पे ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज हुआ, ये UCC से कन्वर्ट हो गया AGC में, बट जो फिनोटाइप है वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है ये वाला पार्ट, यानी ये जो हमारा आफ्टर रिवर्जन जो है वो भी क्या कर रहा है, वो सेम अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, दैट इज सीरीन अमाइनो एसिड को, एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से क्या होता है, इसको हम इक्विवेलेंट रिवर्जन, क्योंकि वो उसके जैसा ही प्रोटीन बना रहा होता है, बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, हैविंग द सेम पेज नेम, दैट इज इस पाठशाला। और तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।